जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपको दिखा होगा कि मैंने इसका थंबनेल बना रखा है वार्निंग। अब वार्निंग का मतलब क्या है कि मैं आपको डराने नहीं आया, मैं आपको धमकाने नहीं आया, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, आप सभी का ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स का कह लो मिड टर्म एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, क्वार्टरली एग्ज़ाम्स या तो चल रहे होंगे या फिर अब स्टार्ट होने वाले होंगे। और साथ ही साथ अब हमारा जो नया मंथ है अक्टूबर और नवंबर, ये हमारे इंडिया में फेस्टिवल का मंथ है। दशहरा, दिवाली और बहुत सारे फेस्टिवल एक साथ पढ़ते हैं। जो लमसम एक महीने का शेड्यूल होता है, ये बहुत ही हैक्टिक और बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है सभी के लिए, सभी इंडियंस के लिए, सारे फेस्टिवल आ रहे होते हैं। तो अब एज ए स्टूडेंट, आप क्लास टेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो, आपको अपना बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो इस पूरे मंथ को वेस्ट कर दो एंजॉय करके, या तो यूज कर लो। क्योंकि इसके बाद से जस्ट जैसे ही आपका फेस्टिवल ख़त्म होगा, दिवाली ख़त्म होगा, विद इन वन मंथ आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपने प्री बोर्ड से जैसे ही बाहर निकलोगे, आपका बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इन एक दो महीने के समय को, एक महीने के समय को कह लो, जो मेजर ये एक मंथ का समय है दशहरा से लेकर दिवाली तक, जो हमारा फेस्टिवल का सीज़न है, इसको आपने अगर अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया, अगर आप इसमें ऐसा हुआ कि आप ठीक है, ऐसा नहीं कि आप त्यौहार को इन्जॉय नहीं करो, फेस्टिवल में इन्जॉय करो, लेकिन पढ़ाई भी करो। अगर आपने सिर्फ इन्जॉय मोड में अपने आप को रख दिया, पढ़ाई से आप दूर चले गए, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक होने वाला है। आप कुछ भी करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इन फेस्टिवल मंथ को सही से यूटिलाइज़ करो, आप इनमें अपना एक शेड्यूल बनाओ कि इन्जॉयमेंट के साथ साथ हम पढ़ाई भी करते रहें। ऐसा मैं नहीं कहूँगा आप इन्जॉय नहीं करो, आप इन्जॉय भी करो लेकिन पढ़ाई भी करते रहो। तो आप इस वार्निंग को याद रखना, ये वार्निंग बेल कह लो आपके लिए है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।